देखते तो उसे वो लड़कियाँ पूछने लगती है कि क्या तुम हमें कोई मूवी रिकमेंड करना चाहोगे जो हम देख सकें। तो यहाँ पे तो कहता है काफ़ी सारी मूवीज़ लगी है सुपर हीरो वगैरह की, लेकिन मुझे तो एनिमेशन मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, मैं तो वही देखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर वो लड़कियाँ भी कहने लगती है हाँ हाँ हमें भी एनिमेशन वाली मूवीज़ पसंद है। तो यहाँ पे वो जो लड़कियाँ होती हैं ना वो नोआ से कहने लगती हैं नोआ क्या हम लोग सभी साथ में मूवी देख सकते हैं प्लीज़। तो यहाँ पे तो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं हम लोग सभी साथ में मूवीज़ देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तो ने तो हाँ बोल दिया, लेकिन यहाँ पे जो नोआ के रिएक्शन होते हैं ना तो को देखे वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो तो यहाँ पे डेट पे आया है तो के साथ, उन लड़कियों के साथ थोड़ी ना उसे मूवी देखनी है। यहाँ पे हम देखते हैं नोआ को बहुत गुस्सा आता है, वो जो मूवीज़ के टिकट होते हैं ना वो उन लड़कियों को दे देता है और कहता है ये लो तुम लोग देख लो मूवी, मुझे नहीं देखनी। और वहाँ से ना तो का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। वो लड़कियाँ यहाँ पे खड़े होकर सोचती रह जाती है इसे क्या हो गया एकदम से। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर पूछता रहता है तो नोआ क्या हुआ तुम वहाँ से ऐसे क्यों आ गए, वो लोग हमें बहुत अजीब तरीके से देख रही थी क्या हुआ। तो यहाँ पे नोआ कहता है तुम बताओ मुझे तो तुम्हें क्या हुआ था, तुमने वहाँ पे उनसे ये क्यों कहा कि हम दोनों जूनियर और सीनियर हैं। हाँ तो यहाँ पे ना कहने लगता है उससे तो क्या उन लड़कियों को ये बताना ठीक होता कि हम दोनों लवर्स हैं। तो यहाँ पर उससे नोआ कहता क्या प्रॉब्लम थी उन्हें ये सच्चाई बताने में बोलो तुम। यहाँ पर ना तो उससे कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई ट्रबल हो। यहाँ पे ना नोआ कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो हम दोनों लवर्स हैं अब किसी को ये बताने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ना उससे कहने लग जाता है आगे नोआ कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो उससे कहता है तुम गलत समझ रहे हो नोआ ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर नोआ कहता है ओके ठीक है जो भी तुम कहते हो, और कहने लगता है अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो तुम यहाँ पे रह सकते हो, जब मूवी ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब मुझे कोई मूवी नहीं देखनी है। तो यहाँ पे जो होता है ना तो एकदम से हाथ पकड़ लेता है नोआ, कहता है नहीं तुम मुझे इस तरीके से यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा मुझे भी कोई मूवी नहीं देखनी। यहाँ पे हम देखते हैं वो भाग के जाता है और कार का गेट खोल के कहने लगता है नोआ से प्लीज़ आओ नोआ बैठो। तो यहाँ पे नाराज़ सा होता है उससे थोड़ा सा नोआ, तो वो आके कार में चुपचाप बैठ जाता है। तो यहाँ पे तो ना कार का गेट लगा के मिरर भी बंद होता है कार का एक तरीके से, और कहने लगता है नोआ तुम जेलस थे ना इसलिए ये सब कुछ हुआ ना। यहाँ पे फिर एकदम से कार का मिरर खोलता है और कहने लगता है नोआ क्या कहा तुमने अभी, तो कहता है कुछ नहीं। तो यहाँ पर फिर पूछता है नोआ नहीं तुम कुछ बोल रहे थे। तो यहाँ पर जो होता है ना तो कहने लगता है आई थिंक तुम जेलस फील कर रहे थे, हाँ जेलस फील हो रहे थे ना तुम। तो यहाँ पे एकदम से उसे कोई जवाब नहीं देता नोआ। तो यहाँ पे तो कहता है अच्छा तुम्हें कोई जवाब नहीं देना तो ठीक है मैं जा रहा हूँ मूवी देखने। तो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है उसे नोआ और कहने लगता है हूँ, तो कहता है क्या कहा तुमने जरा तेज से बोला मैंने सुना नहीं। तो यहाँ पे नोआ कहता है हाँ मैं जेलस फील कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो ऐसे ही करता रहता है क्या कहा सुनाई नहीं आ रहा थोड़ा सच तेज बोलो। तो यहाँ पे कहने लगता है फिर नोआ जेलस। तो यहाँ पे फिर कहता है अच्छा जेलस ठीक है फिर मैं जाता हूँ मूवी देखने के लिए। तो यहाँ पे उसे फिर रोकता है नोआ और कहता है हाँ मैं जेलस फील कर रहा था बहुत ज़्यादा जेलस। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद जो होता है ना तो उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है तुम जेलस फील कर रहे थे जेलस जेलस। तो यहाँ पे नोआ जो होता है उसे कहता है चुप हो जाओ और फिर कहने लगता है ठीक है तो खुद आ जाना तुम अपने आप घर वापस मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर फिर एकदम कहता है तो नहीं नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा, और वो भी जल्दी से जाके कार में बैठ जाता है। आगे दिखाया जाता है हमें वो लोग घर पहुंचाते हैं, तो यहाँ पे उससे नाराज़ ही होता है नोआ, तो पीछे से आवाज़ देता है नोआ मेरी बात सुनो वो एक्चुअली, लेकिन हम देखते हैं नोआ काफ़ी नाराज़ होता है और उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे तो परेशान हो जाता है और ख़ुद को कहने लगता है मैं इडियट हूँ एक नंबर का, क्या किया मैंने ये नोआ को नाराज़ कर दिया, ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अब यहाँ पर परेशान होता रहता है और सोच रहा होता है कि कैसे मनाऊँ मैं आखिरकार नोआ को। सो दोस्तों आगे हम देखते हैं यहाँ पे ना तो के माइंड में कोई आइडिया आता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तो को कुछ इस लुक में, हम देखते हैं यहाँ पे तो ना कॉफ़ी बना रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। साथ में यहाँ पे वो बहुत स्टाइल से बुलाने लगता है नोआ को अपने पास। जब यहाँ पे नोआ उसका थोड़े से क्लोज आता है तो यहाँ पे वो पूछने लगता है नोआ से नोआ तुम्हें कॉफ़ी चाहिए या फिर मैं। यहाँ पे जो होता है ना नोआ वो और क्लोज आता है तो के और कहता है आई वॉन्ट ओनली यू, और यहाँ पे ना उसके स्पेक्स लगा देता है तो को। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों एक्चुअली ये सब कुछ तो का सपना होता है। एकदम से यहाँ पे तो को छींक आती है तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ये सपना तो टूटता ही है तो का, इसके साथ साथ उसके हाथ में जो टी पॉट होता है ना वो भी टूट जाता है उससे, और वो बहुत ज़्यादा फिर डर जाता है।
ये देख के यहाँ पे तो कहने लगते हैं ओ माय गॉड ये सब कुछ क्या हो गया। तभी वहाँ पे नुआ आ जाता है और उसे आवाज़ देने लगता है। तो नुआ को देख के और ज़्यादा नर्वस हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे नुआ उसके क्लोज आता है और ये सब कुछ देखता है कि टी पॉट टूट गया है। तो यहाँ पे जो होता है ना, तो वो सॉरी कहने लगता है नुआ से और कहता है ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया नुआ, बस ये गलती से हो गया। तो यहाँ पे ना उससे नुआ कहता है अच्छा। यहाँ पे जो नुआ होता है वो कहने लगता है तो उसे ये टी पॉट 4000 बात का था। तो यहाँ पे और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो ये सुनने के बाद नुआ उससे कहता है अगर तुम मेरे जूनियर हो तो मुझे तुम्हें बहुत बुरी तरीके से डांटना चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरे लवर हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा। और यहाँ पे आगे पूछने लगता है नुआ तो उसे अब तुम बताओ कौन सा रिलेशनशिप चाहिए तुम्हें मेरे साथ। तो यहाँ पे जो होता है ना, तो बहुत धीरे से बोलता है कि मुझे तो तुम्हारा लवर बनना है ताकि डांट ना पड़े एक तरीके से। तो यहाँ पे नुआ कहता है क्या कहा तुमने, थोड़ा तेज बोलना। तो एकदम तो कहता है मैं तुम्हारा लवर बनना चाहता हूँ नुआ। और यहाँ पे ना उसका हाथ पकड़ के उस पर किस करता है और कहता है प्लीज़ मुझसे आप गुस्सा मत रहो ना नुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कहने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो सिनेमा में हुआ उसके लिए भी, और जो ये अभी टी पॉट टूट गया उसके लिए भी। और बहुत ज़्यादा प्यार से कहता रहता है कि मुझे ना सिर्फ तुम्हारा लवर बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना, प्लीज़ नुआ माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे नुआ भी थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है। तो यहाँ पे फिर जो होता है ना, नुआ वो एकदम से अपने क्लोज करता है तो को और यहाँ पे उससे कहने लगता है कॉफ़ी एंड मी चूज़ करो इनमें से एक। तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है तो डेफिनेटली यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर यहाँ पे जो होता है ना, नुआ वो किस करना शुरू कर देता है तो को और यहाँ पे वो लोग फिर किस करते हैं। उसी के साथ हमें आगे दिखाया जाता है कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में जहाँ पे मैच चल रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं तो और उसकी फ्रेंड बैठ के चेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कॉन्ग फोन आ जाते हैं तो वो लोग आगे वाले सीट पे बैठते हैं। तो यहाँ पे वो इशारा करके बुलाने लगते हैं तो और उसके फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे कहने लगती है सोमडी जी क्या हम वहाँ पे आके बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोंग फोंग कहते हैं हाँ हाँ आओ ना। तो हम देखते हैं वो लोग भी फिर आके बैठ जाते हैं कोंग फोंग के पास। तो यहाँ पे जो तो होता है ना ऑल द बेस्ट बोल रहा होता है बार बार देख कर वहाँ पे नुआ को। तो यहाँ पे ना डीजी कहने लगता है देखो तो सही यहाँ पे इन दोनों को, यहाँ पे हजारों लाखों लोग हैं एक तरीके से और ये दोनों है कि अपनी ही दुनिया में खोए हुए लवी डबी बने हुए हैं। तो यहाँ पे वो लोग फिर उसे थोड़ा टीज करने लग जाते हैं सभी मिलके। फिर सोम कहती है अच्छा तो ये बताओ कल तुम डेट पे गए थे नुआ के साथ तो तुमने वहाँ से क्या लिया, बताओ तो सही हमें। तो यहाँ पे तो कहने लगता है तुम लोग सच में जानना चाहते हो कि मैं वहाँ से क्या लेके आया था। तो यहाँ पे वो लोग क्लोज आ जाते हैं, कहते हाँ बताओ जल्दी बताओ। तो यहाँ पे कहता है तो कि मैंने नुआ का बटन लिया था। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे वो सभी बहुत तेज़ से चिल्लाते हैं, इतना तेज चिल्लाते हैं कि यहाँ पे कॉन्ग फोंग और साथ में जो पीछे बच्चे होते हैं वो भी देखने लग जाते उन्हें कि क्या हुआ। तो यहाँ पे वो लोग कहते कुछ नहीं बस हम लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो होता है जाओ वो समझ नहीं पाता, वो पूछने लगता है तो उसे कि तो तुम बटन क्यों कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे उससे कहने लगता है डेजी तुम नहीं समझोगे, अभी तुम उस स्टेज पे पहुँचे नहीं हो, जब तुम उस स्टेज पे पहुँच जाओगे ना स्काई के साथ तो तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो सोम होती है कहती है अरे इसे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास है तो अपना लवर, कुछ समय में इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा इन बातों का मतलब। यहाँ पे ना वो लोग पॉइंट आउट करना शुरू कर देते जाओ को देखकर स्काई को और मतलब बहुत ज़्यादा उसे तंग सा कर रहे होते। तो यहाँ पे जाओ कहने लगता है प्लीज़ ऐसा मत करो। तो यहाँ पे तभी हम देखते हैं जो डेजी होता है ना वो भी काफ़ी ध्यान से देखने लग जाता है टच को और काफ़ी एक्साइटेड हो रहा होता है। तो यहाँ पे ना वो अपने हाथ से कुछ एक्शन सा कर रहा होता है। तो यहाँ पे एकदम कहती है सोम ये क्या कर रहे हो डेजी तुम। तो यहाँ पे ये देख लेता है तो भी और तो कहता है डेजी ये तुम्हारा और टच का कोई कोड वर्ड है क्या। तो यहाँ पे वो कहता है डेजी एकदम ये क्या कह रहे हो कोई कोड वर्ड नहीं है हमारा। तो यहाँ पे जो सोम होती है ना कहने लग जाती है डेजी से ये जो तुम्हारी वॉइस है ना ये तुम्हारे आईक्यू से भी हाई है। तो यहाँ पे वो लोग फिर एग्री होते हैं इस चीज़ से और सोम आगे कहती है अब तो तुम लोग इतने फास्ट हो गए हो कि ओपनली सबके सामने फ्लर्ट करने लगे हो, क्या बात है डेजी। सोम यहाँ पे कहने लगती है डेजी से अगर आज टच मैच को जीत जाता है तो तुम्हें उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। डेजी कहता है हाँ क्यों नहीं, ये तो एक छोटी सी बात है मेरे लिए। तो यहाँ पे ना डेजी को चैलेंज करने लगती है सोम अगर वो मैच जीतता है ना तो तुम्हें उसे किस करना होगा। यहाँ पे कहने लगता है डेजी ठीक है चैनल एक्सेप्टेड, अगर उनकी टीम मैच जीतेगी ना तो मैं तुम्हारे सामने खुद टच को किस करूँगा, देख लेना तुम। सोम कहती है चलो देखेंगे टाइम बताएगा तुम करते हो किस या फिर सिर्फ बातें ही कर रहे हो अभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो कॉन्ग फोंग कहने लग जाती है चलो हम लोग उनके लिए चीयर करते हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी हैप्पली चीयर करना शुरू कर देते हैं नुआ और उसकी टीम को।